हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 का एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है, हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको हम क्या बना दें, टेन थीटा बना दें। कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम इस पूरे को, अब देखो टेन थीटा कैसे बनता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर हम इसको डिवाइड कर दें पूरे को कॉस थीटा से, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कॉस अपॉन कॉस 1, चलो ठीक है, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप पूरा लिखना, बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, साइन थीटा पॉन में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा पॉन में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा पॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा पॉन में कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये तो, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अपॉन में भी ऐसी चीज, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 और 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको तो एस टी रहने दो। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है, क्या पता है हमें, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा, अब इसको हम माइनस से भेजोगे, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि हम 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ पे एस डी लिखी रहने दो, प्लस में सेक थीटा माइनस, अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू है ना, तो माइनस के तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे ही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद अपॉन में अब एस डी रहने दो, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब ये पूरा एक टर्म है, ये देखो मल्टीप्लाई में है ना,
तो मतलब ये पूरा एक टर्म है, अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है कि 4 × 3 − 6, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है ना, और ये एक दूसरी टर्म है, दो टर्म्स होगी। अभी थोड़ा ना बोलोगे कि यहाँ पे तीन तीन टर्म्स लिखी हुई है, 4 × 3 कितना होगा 12 होगा, 12 − 6, तो फिर दो टर्म्स लिखी है ना। तो देखो यहाँ पे भी दो टर्म है, एक ये टर्म है ये पूरी और एक ये टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बात तो एक ही है, 4 + 3 बोलो या फिर 3 + 4 बोलो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। अब देखो हमने ये कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1, क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया इसको, तो है ना, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे आप, हमने क्या कॉमन लिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, ये कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अकेली टर्म नहीं है, दो दो है इसमें लिखा हुआ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपके पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस का सेक थीटा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस का टेन थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में अब देखो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो ना, तो हम 1 को आगे लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे माइनस का सेक थीटा, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये सब प्लस माइनस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना इसको, तो अगर 4 + 3 + 7 है तो हम 7 को आगे, 4 को पीछे, 3 को पीछे, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। क्या बच गया, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 1 / sec θ − tan θ, लेकिन देखो आ क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे पास तो ये आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या करें, चलो एक काम कर देते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आ रहा है sec थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हम इसको डिवाइड कर देते हैं sec थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन हम किसी को भी ऐसे थोड़ा ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, चलो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, देखो इससे क्या होगा, ये दोनों क्या, दोनों कुछ सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो कुछ क्या बचा, यही बचा हमारे पास में, ठीक है। अगर हम किसी भी इक्वेशन में कुछ चेंज करते हैं तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 था, लेकिन जो हमें प्रूफ करना था उसमें कितना आ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हमने क्या करा, उस सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड कर दिया। लेकिन हम ऐसे किसी को भी थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, हमें उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि कैंसिल हो जाए और कितना बचे, कोई इफेक्ट ना पड़े इसके ऊपर, ठीक है, आए समझ में। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखो टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, आपके पास मल्टीप्लाई में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब आप बताओ क्या हम यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, आपको इसे आगे पीछे करना पड़ेगा। आप देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, अगर आप मान लो इसको ए मानते हो तो क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बी माइनस ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा सकते हो ए प्लस बी माइनस बी, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए ए सेम होना चाहिए और बी बी सेम होना चाहिए, डिफरेंस सिर्फ प्लस माइनस का होना चाहिए, ठीक है। नीचे क्या है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और अपॉन में क्या है, sec थीटा माइनस में tan थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने फॉर्मूला, आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, मतलब 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, आ गया ये। तो देखो हमें ये तो प्रूफ करना था, 1 अपॉन में sec थीटा माइनस में tan थीटा मीन्स इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।